सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। आज जो मैं आप भक्तों को अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ पर्सनली। देखिए, हम बाबू का श्रृंगार करते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लेते हम किसी भी भक्त से, ना तो हमने आज तक लिया है, हम कभी भी किसी भक्त से कहते भी नहीं है, क्योंकि हमारी सेवा है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। और जो भक्त हमसे नंबर मांगते हैं तो हम उन्हें एक चीज़ कहते, देखिए एक दिन में 100 मैसेजेस, 150 मैसेजेस इस तरीके से आते हैं हमारे चैनल पर, सबके रिस्पॉन्स देते हैं। इनकेस कभी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो हम जो है भक्तों का टाइम पर जवाब नहीं दे पाते, एक दिन लेट भी हो जाता है हमसे तो लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम भक्तों को जो है जवाब दे सके। एक भक्त ने जो है कमेंट किया हमको, हमें बहुत बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा, भक्त ने ना मुझसे कहा कि आप नंबर दे दीजिए अपना। हर वीडियो में यही कमेंट्स आते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, हम नंबर मांगते हैं, हमसे एक चीज़ कहते हैं। देखिए कई बार कोई भक्त हमें कहता है ना कि हमें आपका नंबर नहीं मिल रहा है, प्लीज़ आप हमें नंबर दे दो, तो मैं कभी उसको भक्त को दोबारा ये कमेंट नहीं करती हूँ कि आप मेरी वीडियो देख लो, मैं उसको खुद पर्सनली नंबर देती हूँ कि आप मुझे उस पर व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। लेकिन कुछ कुछ भक्त के इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरी वीडियो में जो है नंबर दिया हुआ, आप फुल वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट में भी अपलोड किया है, मैं बोलती हूँ उनको। लेकिन आप समझ सकते हो भक्तों का क्या रिप्लाई आता है। एक भक्त ने ऐसा रिप्लाई किया है मुझे कि ना आप नंबर नहीं देना चाहते हो तो वो बता दीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके वीडियो देख सकूँ। आप एक चीज़ बताइए, ज़रूरत मुझे है? नहीं ना, आपको बाबू का श्रृंगार करवाना है, आप चाहते हो कि मैं श्रृंगार करूं बाबू का, तो क्या आप एक वीडियो स्क्रॉल करने में कितना टाइम लगता है? मैं सिर्फ बाबू का श्रृंगार करती हूं, एक यही चीज़ नहीं है, हम श्रृंगार करते हैं उनकी पूरी व्यवस्था बनाने के लिए, मैं अपने घर से कोई पैसा नहीं लेती हूं, मैं खुद काम करती हूँ, जॉब बाहर नहीं करती हूं, घर में मेरा सेल्फ जो काम है, लेकिन मैं किस लिए करती हूं? ताकि मैं किसी और पर डिपेंड ना रहूं, घर वालों से नहीं कहती हूं कि मैं कि आप मुझे पैसे दीजिए कि मैं खर्चा कर सकूं, मेरे पास बाबू श्रृंगार के लिए आते नहीं। मैंने सेवा शुरू की है तो प्रभु ने जो है इतनी कृपा की है कि मेरे हाथ में इतना हुनर दिया है कि मैं खुद ब खुद मतलब कि अपने आप सारी चीज़ों को अरेंज कर सकूं और बाबू का श्रृंगार कर सकूं। और आप जरा सी वीडियो स्क्रॉल करके नहीं देख सकते हो, तो यानी कि आपको अगर श्रृंगार कराना है, अगर बाबू मुझसे श्रृंगार कराना चाहते होंगे तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर भक्त जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है। लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं जिनसे हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो इस तरीके से जो है कहेंगे। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, अगर बिहारी जी को अगर मुझसे श्रृंगार कराना है, उन बाबू को श्रृंगार कराना है मुझसे, तो वो खुद व्यवस्था बनाएंगे। आपके पास समय नहीं है तो क्या हुआ, उनके पास तो समय है ना कि वो हमसे सेवा ले। तो कृपया करके ऐसे जवाब जो है मत दीजिए, हम सेवा कर रहे हैं, हम किसी के भी दिल नहीं दुखाना चाहते किसी भी भक्त का, और ना हम किसी को मना करते हैं। कई बार आप समझ नहीं सकते होंगे कि हमें ना भक्त कई बार क्या होता है कि हम श्रृंगार के लिए लाना चाहते हैं बाबू आपके पास में, कॉल नहीं करते हैं, हमसे एड्रेस ले लेते हैं और हमारे घर आ जाते हैं। आज तक भी मैंने किसी भी भक्त को निराश नहीं लौटाया कि मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन मैंने हर किसी बाबू का श्रृंगार कर ही घर से भेजा है। लेकिन भक्त इस तरीके से जवाब देते हम लोग को काफी बुरा लगता है। तो कृपया करके जो है ऐसे रिस्पॉन्स मत दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं, कोई दिखावा नहीं है हमारा, हम दिल से चाहते हैं कि हमारे घर बाबू सेवा के लिए आए, हमारे पास रहे, हमें सौभाग्य मिले उनका श्रृंगार करने का। तो ऐसे भक्त जो है कृपया करके कमेंट ना करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी।